ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते भी आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शगुन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गायत्री मंत्र के बारे में और समझेंगे उसका अर्थ, इसका महत्व क्या है, क्या क्या चैंट कर रहे हैं एक्चुअल में, ताकि जब हम इस मंत्र का उच्चारण करें हमें पता हो एग्जैक्टली कि हम क्या मीन करते हैं। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी बोला जाता है। तो सविता का मतलब होता है द वन फ्रॉम विच ऑल इज बॉर्न। गायत्री मंत्र जो है वो हमारे जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से ऋग्वेद से लिया गया है। और जो गायत्री हैं वो इन चारों वेदों की माता कही जाती हैं, तो शायद इसलिए इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र भी पड़ा। गायत्री मंत्र को डिस्कवर करने वाले जो थे वो थे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। तो ये मंत्र बहुत ही प्राचीन मंत्र है, कहते हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र भी है। और जैसा मैंने कहा कि ये ऋग्वेद से लिया गया है तो इसे वैदिक मंत्र भी बोला जाता है। गायत्री मंत्र ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया है। गायत्री मंत्र की चैंटिंग से हमें सक्सेस मिलती है, हमें इनर पीस मिलती है, संतुष्टता मिलती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को नियमित कंट्रोल कर सकते हैं, उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दे से दैट चैंटिंग गायत्री मंत्र डी कंटेमिनेट्स द चैंटर एज वेल एज द लिसनर। गायत्री मंत्र इज अ यूनिवर्सल मंत्र। दिस इज अ मंत्र टू पे ग्रैटिट्यूड, टू अप्रीशिएट दिस एंटायर यूनिवर्स, द वन सुप्रीम गॉड हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, उनको हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं इस मंत्र के द्वारा। तो जो लिटरल ट्रांसलेशन है इस मंत्र का वो ये है, ओ एब्सोल्यूट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ ऑल द थ्री डायमेंशंस, वी मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट ऑन योर डिवाइन लाइट, मे यू स्टिमुलेट आवर इंटेलेक्ट एंड बिस्टो अपॉन अस ट्रू नॉलेज। सिंपल इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन ये है कि वी मेडिटेट ऑन द ग्लोरी ऑफ द क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, हु इज वर्दी ऑफ द वर्शिप, हु इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज एंड लाइट, हु इज द रिमूवर ऑफ ऑल सिन एंड इग्नोरेंस, मे ही एनलाइटन आवर इंटेलेक्ट। सरल शब्दों में, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी देवी, इस सृष्टि के रचयिता, हमारे तीनों डायमेंशंस के क्रिएटर, हम आपकी उस डिवाइन लाइट, उस दिव्य ज्योति को ध्यान में रखते हुए आप पर मेडिटेशन करते हैं। हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी आत्मा से अंधकार को दूर कीजिए और सही मायने में जो सही नॉलेज है उसकी रोशनी आप हमारे जीवन में भरिए। तो हमारी मन, बुद्धि, आत्मा ट्रू नॉलेज से इल्यूमिनेट हो। ये जो मंत्र है ये सूर्य भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए भी कहा जाता है। कहते हैं जो सन से जो किरणें आती हैं, दैट इज द लाइट ऑफ द विजडम। जो सूर्य भगवान है पूरी सृष्टि को विजडम की लाइट प्रदान करते हैं, तो भगवान सूर्य को भी ग्रैटिट्यूड पे करा जाता है। इस मंत्र के द्वारा हम ये कहते हैं कि आपकी जो किरणें हैं वो सिर्फ किरणें ही नहीं, एक ज्ञान की रोशनी है जो कि हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को ज्ञान प्रदान करती हैं। इट्स अ ग्रैटिट्यूड मंत्र, इट्स एन एप्रिसिएशन मंत्र, इट्स अ मंत्र टू प्रे टू वन सुप्रीम गॉड एंड द यूनिवर्स टू रिमूव डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ एंड ब्लेस अस विद द यूनिवर्सल नॉलेज। पूरी यूनिवर्स का मंत्र है। तो ये था इस मंत्र का अर्थ। गायत्री मंत्र के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स कहे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्राचीन और सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र इसे माना जाता है। कहते हैं कि सारे मंत्रों का सार इसमें है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको चैंट करने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमारी
चीज़ों को लर्न करने की पावर बढ़ती है। इससे हमें इनर पीस मिलती है, जीवन में खुशी मिलती है, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छा है। इस मंत्र को चैंट करने से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न इम्प्रूव होता है। हमारे माइंड के लिए, माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए ये मंत्र बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही यूज़फुल है। कहा जाता है कि इस मंत्र का रेगुलर चैंट करने से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं, आपके माइंड, आपका सोल पीसफुल रहता है और आपको जीवन में हमेशा एक खुशी और आनंद का अनुभव होता है और हमारे अंदर मॉडेस्टी और ग्रैटिट्यूड भी लेके आता है ये मंत्र। इतना पावरफुल ये मंत्र है। इस मंत्र को आप दिन में किसी भी समय चैंट कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, खाना बनाते समय, कोई काम करते समय, जब मन उदास हो, आपको लो फील हो रहा हो, आप मेडिटेशन में बैठे हो, पूजा कर रहे हो, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एक एक शब्द का बहुत ही डीप मीनिंग भी है जो हम फिर किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बहुत लोगों को इसका डिटेल्ड अर्थ भी पता होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पस था कि बहुत ही सरल शब्दों में हमें ये समझ में आए कि हम क्या चैंट कर रहे हैं, ताकि जब अगली बारी हम इसको चैंट करें तो हम सिर्फ इसको पढ़े नहीं बल्कि समझें। अगर हमें मंत्रों का अर्थ भी पता हो तो उस मंत्र का बेनिफिट दुगना हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा पता चला जो आपको पहले नहीं पता था, या फिर क्लैरिटी मिली इसके अर्थ की, और नेक्स्ट टाइम जब आप चैंटिंग करेंगे तो इस अर्थ को ध्यान में रख के चैंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।